राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको नई दिशा में हो रहे दिव्य अलौकिक राम मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों के संबंध में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूंगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। प्रभु श्री राम के आगमन मात्र से ही तीनों लोकों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पूरी तरीके से हर्ष का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित इस चैनल में प्रभु श्री राम की आत्मा का वास है और जहां आत्मा का वास होता है वहां परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़े और पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। सामने दृष्टिगत प्रदेश राम मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों का है, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहां आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के साउथ यानी दक्षिणी भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग के निर्माण कार्यों का यह सबसे नवीनतम परिदृश्य है। राम मंदिर के सुदूर दक्षिणी भाग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परकोटा के निर्माण कार्यों को कई खंडों में किया जा रहा है और वर्तमान में लगभग पिलर्स लगाए जा चुके हैं और इन पर बीम ढलाई के साथ अब छत निर्माण की प्रक्रिया भी तेजी से आरंभ की जा रही है। और राम मंदिर के चाहे वह उत्तरी भाग हो चाहे दक्षिणी भाग, सभी स्थानों पर परकोटा के निर्माण कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। और दक्षिणी भाग में इसी भाग के ठीक नीचे एक टनल यानी सुरंग का भी निर्माण कार्य किया जाना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले रिटेनिंग वॉल को तेजी से बनाया जा रहा है। और वर्तमान में जिस मार्ग से आप राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करते हैं उसी के समानांतर यानी उसी के पैरेलल परकोटा के निर्माण कार्यों को कई खंडों में किया जा रहा है। दक्षिणी भाग में हो रहे परकोटा के निर्माण कार्यों की जो सबसे खास विशेषता है कि इसके निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से नीचे टनल यानी सुरंग का निर्माण कार्य भी साथ साथ किया जा रहा है, यानी ऊपरी परिक्षेत्र में परकोटा निर्मित किया जा रहा है और निचले भाग में सुरंग बनाई जा रही है। और इसके लिए रिटेनिंग वॉल का काम लगभग 50% के आसपास पूर्ण कर लिया गया है। और इसी रिटेनिंग वॉल के भीतर ही, जो कि पूर्णतया कंक्रीट से निर्मित है, इसी के नीचे सुरंग बनाई जा रही है। और सबसे पहले रिटेनिंग वॉल निर्मित करने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से कंक्रीट एवं सीमेंट के द्वारा इस परिक्षेत्र को पूर्णतया RCC बनाया गया है। और RCC बनाए जाने के पश्चात इस पर पिलर लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई और लगभग 4.5 फीट चौड़ा परिक्षेत्र टनल का है। और टनल से ही होकर के श्रद्धालु राम जन्मभूमि परिसर की परिक्रमा आसानी से कर पाएंगे। संपूर्ण परकोटा परिक्षेत्र 832 मीटर की परिधि में है और जिसमें 200 मीटर से अधिक यहां पर टनल यानी सुरंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि संपूर्ण राउंडेड शेप में बन रहे परकोटा में केवल 1/4 भाग पर ही सुरंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इस संबंध में LNT के परियोजना प्रबंधक विनोद मेहता जी ने हमें जानकारी दी कि सुरंग के निर्माण कार्यों को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह टनल केवल 4.5 मीटर चौड़ी बनाई जा रही है। अतः यहाँ पर श्रद्धालुओं की अधिक आवक होने के कारण यहाँ पर कोई भी दुर्घटना की आशंका न हो, इसके लिए इस परिसर को और भी अधिक चौड़ा बनाने की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के सुदूर दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपको कुबेर टीला परिसर दिख रहा होगा और यह परिक्षेत्र काफ़ी अधिक ऊंचा होने के कारण यह काफ़ी अधिक मनमोहक एवं दिव्य प्रतीत होता है। और वर्तमान में यहाँ पर तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है और इसी स्थान पर कुबेरेश्वर महादेव का शिवलिंग भी स्थापित है और यहाँ पर जटायु की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। और कुबेर टीला परिक्षेत्र के निर्माण कार्यों को लगभग 6 महीनों के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं और यह परिक्षेत्र काफ़ी अधिक खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी अधिक पौराणिक है।
क्योंकि इसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विशेष तौर पर यहाँ पर जटायु की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित कुबेर टीला परिक्षेत्र को यदि आप ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो इसके कई लेयर्स में इसके निर्माण कार्यों को किया गया है और हर लेयर्स में इसके किनारे के पॉइंट्स पर रेलिंग का निर्माण कार्य किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दक्षिणी भाग पर भी एक परकोटा का भव्य प्रवेश द्वार निर्मित किया जाएगा और इसके साथ ही दक्षिणी भाग पर ही सप्त मंडपम के निर्माण की घोषणा ट्रस्ट द्वारा कर दी गई है और सप्त मंडपम के बारे में कई विचार विमर्श करने के बाद इसे कुबेर टीला के ठीक पहले ही इसके निर्माण कार्यों को करने पर सहमति बन गई है और सप्त मंडपम में सात देवताओं के यानी रामायण प्रार्थनों से जुड़े सात देवी देवताओं के यहाँ पर प्रतिमा एवं मंदिर स्थापित किए जाएंगे और सप्त मंडपम की जो अवधारणा है वह काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है और इसके लिए L&T के इंजीनियर्स ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी दी कि किस प्रकार से यहाँ पर सप्त मंडपम का निर्माण कार्य किया जाना है और सप्त मंडपम में भगवान राम के समकालीन सात पात्रों के मंदिर बनाए जाने हैं और सात मंडपम का निर्माण कार्य परिसर में दक्षिणी भाग पर ही किया जाएगा और इसके लिए यहाँ पर पूर्ण रूप से निर्णय लिया जा चुका है और सप्त मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र, निषाद राज, शबरी तथा अहिल्या के मंदिर इस सप्त मंडपम में बनाए जाएंगे और यहाँ पर CBRI रुड़की के इंजीनियर्स भी इस बैठक में मौजूद रहे और जिन्होंने पत्थरों के चुनाव पर भी विशेष जानकारी प्रदान की। दोस्तों, नई दिशा में हो रहे प्रभु श्री राम के मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि राम मंदिर का जो दक्षिणी परिसर है वह संपूर्ण राम मंदिर परिक्षेत्र जो कि 75 एकड़ में निर्मित है उसका लगभग 60% से अधिक हिस्सा है और यहाँ पर कई निर्माण कार्यों को किया जाना है और साथ ही केवल राम मंदिर जो मूल मंदिर है वह केवल 3 एकड़ में बना है। इस चैनल से जुड़े कई महानुभावों का सवाल रहता है कि राम मंदिर जब इतना बड़ा परिक्षेत्र है तो इसे मध्य में क्यों नहीं बनाया गया और इसे अत्यंत विशालतम क्यों नहीं निर्मित किया गया, तो इसका सीधा जवाब है कि राम मंदिर का जो मूल गर्भगृह जहाँ स्थित है उसी के लिए इतने सालों तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई और इसका जो निर्णय इसी भूमि के संबंध में आया जहाँ पर वर्तमान में रामलला का गर्भगृह स्थित है, जहाँ पर लगभग 30 से 35 वर्षों तक रामलला टेंट में विराजमान रहे और इसी स्थान पर से ठीक 40 फीट ऊंचे यहाँ पर गर्भगृह का वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है और गर्भगृह के शिखर की जो निर्माण प्रक्रिया है वह 2025 के अंत तक पूर्ण होना संभावित है और राम मंदिर का जो बिल्कुल पश्चिमी छोर है वह काफ़ी अधिक छोटा परिक्षेत्र है और ट्रस्ट इसके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए पर्याप्त रूप से प्रयास कर रहा है ताकि राम मंदिर का जो संपूर्ण परिसर है वह 100 एकड़ के आसपास किया जा सके और हर दिशा में रामलला के दर्शन करने के लिए मार्गों को बनाए जाने हेतु यहाँ पर भूमि की उपलब्धता अति आवश्यक है, अतः इसके लिए ट्रस्ट विशेष तौर पर प्रयास कर रहा है। राम मंदिर दर्शन करने के लिए देश विदेश से बड़े बड़े कलाकारों का आगमन जारी है और उन्हीं में से प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति के साथ यहाँ पर प्रभु श्री रामलला के दिव्य दर्शन प्राप्त किए और इनके साथ इनकी छोटी बेटी मालती भी मौजूद थी जिसने प्रभु श्री रामलला का दिव्य आशीर्वाद लिया।
दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर के नई दिशा में हो रहे सबसे नए निर्माण कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।